छोटा बच्चा है क्या? छोटी बच्ची है क्या? छोटा बच्चा है क्या? Think about the times you let me go. Guys, welcome to Sahith Gupta new vlog. तो guys, अभी का time हो रहा है 10, तो हाँ 10 बजे स्टार्ट करो अपना व्लॉग। तो गाइस व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। आज मैं बताता हूँ, आज हमारे घर में बन रहा है पुदीना और आलू की सब्जी। तो आपने पुदीना तो पहले ही बहुत खाया, मैं खाया होगा, अब कुछ नहीं खाया होगा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। पुदीना एक पत्ता होता है पुदीना का, तो हाँ पुदीना पत्ता मम्मी अभी तोड़ रही है, उसको तोड़ूंगा ना, इतना तोड़ लिया है तो गाइस इतना टूट गया। मैं बहुत कुछ सीख लिया, मतलब छुट्टियाँ चल रही मेरी, तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो हाँ तो मैं बहुत कुछ सीख ले रहा हूँ। जबकि बाई चांस मेरे को अकेला रहना पड़ रहा तो कोई भी चीज़ में करना है, मैं इंडिविजुअल कुछ काम करना पड़ रहा तो मैं कर पाऊँगा। रोहित भैया लाए थे सब तो कुछ सामान वगैरह, तो मैं खाने पीने में लग गया था ज़्यादा कुछ, मतलब भाई क्रीम रोल वगैरह लाया था और मैंगो फ्रूट वगैरह, हाँ तो खाने पीने में लग गया था। ये तो मम्मी ने पता नहीं क्या क्या डाल दिया, क्या क्या डालो इसमें बताते हैं। पहले तेल डाला, आराम से डाल दिया, तेल गरम हो गया, जीरा हरी मिर्च डाल दिया, ये टमाटर और प्याज पीस के डाल दिया। अच्छा है ना, अब ये देखो ये पक रहे हैं, अब इसमें मसाला डाल देंगे। ठीक, और फिर आलू डालेंगे, आलू हम छिल रहे हैं, इतना छिल दिए। आलू डालने के बाद फिर पुदीना डालेंगे, पुदीना का पत्ता डालेंगे। खा रहा हूँ ऑल इन वन, कौन सा नमकीन है ये, ऑल इन वन आगे। तो गाइस ये पता है ऑल इन वन, ये इसको ऑल इन वन क्यों बोला गया है, ऑल इन वन इसको क्यों इसलिए बोला गया है, हर एक चीज़ इसमें मिक्स है, हर एक बादाम वगैरह हर एक चीज़, हर एक मिक्सचर मिक्स है ये वगैरह सब। ये तो बनाने आ जाएगा। हाँ तो गैस मैंने अच्छी तरह से बनाना सीख लिया, तो हाँ मुझे अब बनाना आ गया। और इसमें मैं पुदीना आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं, सस्ता सब्जी, मतलब सस्ता नहीं बोल सकते, अच्छा ही है, मज़ा आता है खाने में। तो गैस हाँ बहुत अच्छा होता है पुदीना की सब्जी गर्मी के टाइम में, मम्मी ऐसे बोल रही है। अब फिलहाल मैं तो कल खाया था पनीर की सब्जी ना, तो हाँ अब दो तीन दिन पहले, पाँच छः नहीं एक सप्ताह पहले खाया था पुदीना की सब्जी, तो मेरे को अच्छा लगा, तो बोला मम्मी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तो मुझे सिखाना, तो आज बनाए तो मम्मी ने मुझे सिखा दिया, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। चलो अब रिंग लाइट को पता नहीं करना क्या है, कहीं पर भी ऐसे रख देते हैं, तो इसके ऊपर रख दो मम्मी, नीचे रख दे बेटा, ऊपर क्यों रख रहा है, इस गिर जाएगा तो नहीं गिरेगा बेटा, नीचे रख दे प्लीज बेटा, बाद में लो यार नीचे रख दे लो। भाई पुदीना की सब्जी रेडी मस्त वाला, चलो खाते हैं। आज खाएंगे हम पुदीना की सब्जी, पुदीना आलू की सब्जी सबसे फेवरेट है मेरा, तो खाते हैं। सो के उठाऊँ पता है, हर रोज तो मैं काम कुछ भी करता रहता हूँ, कुछ भी सीखता रहता हूँ, आपने देखा ही होगा हर रोज, लेकिन एक काम मेरा जरूर परमानेंट होने वाला है, दूध लाना हर रोज होने वाला है। अब यार क्या चक्कर है, कोई बात नहीं फिलहाल चलते हैं, सीधा कर दे बे, ये हमेशा उल्टी चला रहे हैं। हाँ अब ऐसे चलाओ, नहीं लोगों ने झूला भी गिरा दिया और मजे से खेल भी रहे, वो मस्त आ रहा इनका काम होता है, मस्त खेलते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, अब से मैं बोल रहा हूँ रोहित भैया को दे देता हूँ दूध आने का काम, लेकिन मुझे बोलता था भाई दूध लेके आ जा, कह दिया चलो दूध लेके आते, अब क्या ही कर सकते हैं, साइकिल तो मिल गई, आप फटाफट निकलते हैं यार, इतना दूर आना पड़ा साइकिल, रोहित भैया छोड़ गए थे यहाँ पे। आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना सबके सब सर पर लकड़ियाँ लेके जाते हैं और खाना बनाते हैं, भाई में गजब लगता है ये, सुबह शाम हर वक्त सुबह हो या शाम हो ऐसे हर कोई ले जाते हैं, ऐसे ही हर कोई लेके जाते हैं। फिर ना कॉल कर दीजिएगा जब हम वापस आ जाएंगे, ठीक है भाई, तो आधे घंटे एक घंटे बाद वापस आना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न यह है कि अंकल आंटी मतलब काम से गए होंगे कहीं खेत वगैरह, तो हाँ कहीं गए होंगे तो दूध जो किसी ने दूध निकाला नहीं गए से, तो अब मेरे को आधे घंटे बाद वापस आना पड़ेगा, चेक कर लाऊंगा मैं, आधे घंटे बाद वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। जैसे हम पहुँचे वैसे बारिश स्टार्ट हो गई यार, अच्छी बात हम सही टाइम पर पहुँच गए। पेट देखो मोटा हो गया यार मैं तो, अर्जिंग फूड का गैस इतने समोसे खाता है, इतने समोसे खाता है, अभी तो आया वैसे जिम में, चलो तो वो तो जिम करेंगे ही, बाहर में बारिश होती अंदर जिम करते हैं। अभी क्या लुक आ रहा है, ये हमारी साइकिल हमने यहाँ लगा खाई है, साइकिल रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ यहाँ लगा खाई है हमने साइकिल। तो
गाइस 10-12 पुशअप्स लगाए, अब कोई बात नहीं, फटाफट क्या यार गाना कनेक्ट कर रहे हैं यार। भाई रहने दे गाना, क्या कनेक्ट करेगा गाना, हटा। तो गाइस वो ज़्यादा उमस सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही खोला ना भाई, इतना ठंडा हवा रहा है, इतना ठंडा हवा गाइस एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं गाइस, मस्त हवा आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चलते हैं, बारिश बाहर बंद है तो हम निकलते हैं। मैं सोचा यहीं से कूदी निकल लूँ हूँ, लेकिन नहीं निकल नहीं कूद सकते। हाँ अब बंद हो गए, अब चलते हैं। जिम में आया था वेट लिफ्टिंग की जो मैं दिखा नहीं पाया, और था पुशअप्स किया, अब चलते हैं। राउंड मार ही रहा है तो बैग को घर पे रखा, चलाना ही ना तेरे को, थोड़ा कोई थोड़ा रख के आ जाना भाई, मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रख दी, कहाँ लेके घूमता रहूँगा मैं, आधे घंटे बाद दूध लेने जा, है ये ले, खेलना जाता हूँ मैं भी, खेलना जाता हूँ, ख़त्म होने वाला तो ये तो खेलने दे थोड़ा, जो तू खेल रहा हो वो खेलने दे मेरे को। अबे तुम कुत्ते को दे दो, मुंह में नहीं लगा तो कहाँ लेगा वो, बता। अच्छा कुत्ता है, अच्छा कुत्ता, चैट है ना तेरा नाम, चैट नाम है ना इसका, चैट चैट, सुस्त पर गया है। तो गाइस मुझे कुछ बैलिंग बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली, मैं एम्पायरिंग कर रहा हूँ, मैं एम्पायर जा रहा हूँ, मैं किसी टीम से नहीं हूँ तो मैं एम्पायर ठीक हूँ, एम्पायर ही ठीक हूँ मैं, कितना ओवर हो गया, दूसरा ओवर जा रहा है, अच्छा आउट है भाई, आउट है, पकड़ ले आउट ब्रो। गाइस बारिश वापस स्टार्ट हो गई है, अबे यार कोई नहीं, यार लेकिन मौसम तो सही लग रहा है बिल्कुल, फिर भी बारिश हो रहा है, गजब नहीं है ना, मुझे रन पता, बस देख रहा हूँ मैं, कैच है भाई कैच है, रोक के ले, चल रहा हूँ मैं दूध लाने के लिए, घर पे आया हुआ था मस्त वाला, दूध ले लेते चल के, शाम को दूध ले आते घर से, क्या मुझे बोलते हैं क्या कि अभी मेरे घर में कोई नहीं है, इधर गए सब उधर गए, तो बोला कोई बात नहीं, तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ दूध लाने, बोला अभी बुलाया, हाँ वही ना पूछा गया, अभी कॉल भी नहीं किया, वो तो मैंने कॉल किया तो बोलता है क्या आ जाइए, मैंने बोला कॉल करिए, हाँ जल्दी जाओ लेट हो जाएगा फिर, मम्मी इसलिए गुस्सा हो रही थी ना कि अभी टाइम हो रहा है 7:15, इतना लेट दूध लेने जा रहा हूँ, ये चीज़ मम्मी को पता नहीं था कि मैं दूध लेके आ चुका हूँ, तो कोई बात नहीं आप फटाफट चलते दूध ले आते हैं, तो ले लिया आप चलते घर, घर पे आ गया हूँ और शांति चलते हैं, सामने में जो दूध दिया था पता नहीं यार, उसको बोलना पड़ेगा, तो हम ये 1000 रुपये ले लो, कोई नहीं खा ले, खा ही तो रहा है, मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, खा ही तो रहा है, बढ़िया लोग ऐसे ही खा रहे थे, मैं मन नहीं क्या खाने का, फिलहाल मैं चलता हूँ सोयाबीन लेने के लिए, तो गाइस चलो चलते हैं, सोयाबीन तो ले लिया अब चलते हैं घर, मैंने भी ऐसे ही ले लिया, पहला फ्लेवर अच्छा लगा, घर पे आया देखा रोजगार इतने सारे प्याज काट रखे हैं भाई साहब, लग रहा है भंडारा बनेगा, नहीं मजाक कर रहे हैं मोमोज बनेगा, अभी अब अदरक ग्राइंड कर रहे हैं तो फटाफट ग्राइंड करते हैं, बहुत सारा कुछ प्रोसेस होता है, और सोयाबीन फूलने के लिए दे दिया है, बस ये फूल जाएगा ना, आज हम सोयाबीन के ही मोमोज बना रहे हैं, तो हाँ ये फूलने के बाद हम इसको ग्राइंड कर देंगे, गाइस ग्राइंड करने के बाद ये ऐसा कुछ हो गया है, बेला नजर आ रहे हैं गाइस, एक्चुअली मैं भी बेला बन चुका हूँ, इसलिए बेला बन चुका हूँ क्योंकि हम लोग का भी नेट खत्म हो गया है बिल्कुल ही, बिना नेट के, हाँ तीनों मॉल का गाइस, इस मॉल का मिनट खत्म है, इस मॉल का मिनट खत्म है, और मेरा मॉल का, हम तीनों भाई का मॉल का नेट खत्म है, तीनों भाई मतलब मुड़े दिए तो काम में लगे हुए हैं, और लेकिन हम दोनों का तो नेट वो बंद कर, हम दोनों भाई हम बिल्ला बन चुके हैं बिल्कुल भी, डब्बा बन चुके हैं, बस आप लोगों के साथ भी यही होता है कि नेट खत्म होने के बाद आप गैलरी साफ करते हो, क्या हुआ क्या हो गया यार, एज यूजली करोड़ों का सपना दिखा के मैं बर्तन धुलवा दिया, तो गाइस कोई नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि मम्मी का आदत हमने हटा दिया है, हम ही लोग था वो बर्तन वर्तन धोते थे, मन करता था हम लोग का, इंटरेस्ट था हमारा, इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट कब से है, इंटरेस्ट नहीं है, बस मम्मी के लिए धो देता हूँ, मम्मी को काम ना करना, मेरे को अच्छा लगता है मम्मी काम करती है, हाँ नहीं करती है तो वही चीज़ उसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट आता है, तो गाइस अभी बर्तन धोने में किसका इंटरेस्ट आता है, खाने में इंटरेस्ट सबको आता है, मैं तो मुझको भी आता है, दोनों खाने में इंटरेस्ट, मार क्यों रहा है पागल है, मार रहा है मुझे, मेरा बाबू है ना, तो गाइस पता है एक्चुअली मेरा तो ना बाबू है, मेरा बाबू नंदू बाप,
तो गाइस अभी ना हम लोग वेल्ला बन चुके हैं, वेल्ला बन चुका है ना। अरे बिना नेट का यार यही होता है सिचुएशन, बिना नेट का भाई इंसान है ना, एक कदम साला चल नहीं पा रहा हूं मैं। चलो देखो अरे गाना सुनने का मन कर रहा साला, गाना मेरे में बच जाएगा, गाना इसमें बच जाएगा। लेकिन गाइस पता नेट बिल्कुल नहीं है, इतना वेल्ला बन चुके हैं हम लोग कि गैलरी साफ कर रहे हैं क्या कौन सा गैलरी साफ कर रहे हैं, क्या कौन सा गैलरी साफ कर रहे हैं, क्या बताओ गम्मी को गैलरी का मतलब नहीं पता, मैं बताता हूँ गैलरी मतलब समझे क्या बेटा, बोलो बोलो। गैलरी मतलब फोटो, जानते ना फोटो। अच्छा फोटो डिलीट कर रहा है। हाँ डिलीट कर रहा है मतलब साफ कर रहा है। अब गाइस घर के गैलरी बोल रहा है। अब क्या लगा घर के गैलरी बोल रहा है, घर का गैलरी, घर में कौन सा गैलरी होता है पता नहीं, गली गुली बोल रहा देखे बोल रहा है जो होता नहीं। अच्छा हाँ अच्छा वो वाला। तो गाइस सर इतना मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो गाइस अभी ना मैंने ना 2 से 3 वीडियो एक्सपोर्ट कर रखा था, उसको डिलीट मार दिया। इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा वीडियो मैंने एडिटिंग किया है मैंने, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस एक वीडियो एडिट करूँगा, न्यू ब्लॉग एडिट करूँगा कल वीडियो कल के पहले। खाना तो खा ले बेटा, अरे खाना ला के दे दिए। मम्मी आपको पसंद है, आपका फेवरेट आप पियो पहले, तू गिलास तो ला। आपका फेवरेट है ग्लास, नहीं जाता नहीं शीशा ग्लास है, बुलाते हैं मम्मी को नॉर्मल ग्लास, शीशा ग्लास कंफ्यूज हो रहा हूँ, शीशा नॉर्मल ग्लास ही तो। आप क्या ढूंढ रहे हो नीचे? प्याज। प्याज नीचे टोकरी में लाया तो टोकरी कहाँ गया? अच्छा, प्याज का इसको खोलो खोलो खुल जा टोकरी, ये लो। पहले मैं पीऊँ पहले तू पिएगा, पहले आप मम्मी पिएगी फिर बेटा पिएगा। ठंडा ही पीना चाहिए, ठंडा मौसम हो गया अभी मम्मी ने क्या बोला, जैसे गर्म पीते ना फुफुक के वैसे ठंडा पीना पड़ रहा है, हालत भी कर रहा है इसको, फुफुक के ठंडा पी रहे हो। फुफुक के ठंडा, फुफुक के पसंद कर रही थी, अभी हमने उतरवा दिया, चलो अब वॉकिंग करेंगे। खाना खा के मैं बाहर टहलने के लिए वैसे निकला था, अब आज मुझे नींद, इतना ठंडा हवा चल रहा है ना, मन तो करा बस इधर ही बिस्तर बढ़िया लगा और सो जाऊँ। चलो पुलिया पे सो जाते हैं, मम्मी भी सपोर्ट कर रही है, अब क्या कर सकते हैं, सो जाते फिर जाए। चलो नहीं यार घर जाकर सोएंगे, मस्त वाला कूलर चला के, हाँ बाल उड़ रहे हैं मेरे भाई, जो मजा आ रहा है। बैठेंगे क्या मम्मी, घर जाके सोएंगे कूलर चला के। आया हम लोग सोचते आते ही सो जाएंगे, रिंग में पानी पिया ठंडा ठंडा, और लूडो गोटो खेलना स्टार्ट करती है, लूडो गोटो खेल रहा है, इतना गंदा वाला हार रहा हूँ, मम्मी लोग हंसे भी हंसे जा रही है। चलो देखो दिखाता हूँ, ये चार में पिल्ली वाली मेरी है, बाकी सब पिल्ली वाली मेरी है, बाहर निकलते कर जाता है मेरा, समझ नहीं आ रहा कौन से उम्मीद से खेलू, कौन सा उम्मीद से रुको नहीं आया जी। अब समझ सकते हो मम्मी के नाचने का वजह है, मम्मी नाच क्यों रही मैं बताता हूँ, मम्मी इसलिए नाच रही है ना, मम्मी आगे सेकंड फर्स्ट आई है, रोहित भैया सेकंड, मोहित भैया थर्ड और मैं फोर्थ। हर वक्त मैं गोटी कटाया, इतना खराब लग रहा था मेरे को, भाग तेरी की। छोटा बच्चा है क्या? छोटी बच्ची है क्या? छोटा बच्चा है क्या? छोटी बच्चा है क्या? मॉर्निंग गैस। तो गैस अभी मैं हम लोग सोकर उठ गए और बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा दिया, तो गैस फिलहाल इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। तो गैस यार प्लीज़ इतना एफर्ट, यहाँ तक आपने एफर्ट डाल के ब्लॉग देख ही लिया है, तो प्लीज़ आपने थोड़ा सा टाइम और लगा के लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक ले भाई ऐसे डेली ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तब तक ले भाई। Think about the times you let me go.